आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है, टाइम अभी कुछ 9 बज रहे हैं। आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट है और अनिक बिल्कुल ठीक है, अब गया है अपनी ट्यूशन, उसको ट्यूशन छोड़ के आए उसके पापा, और मैं लगती हूँ अब अपने कामों में। आप लोगों ने इतनी सारी उसके लिए दुआएं की, किसी ने खाटू श्याम जी का नाम लिया, किसी ने जय माता दी, किसी ने महाकाल बाबा, सबके नाम लिए। तो दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों का इतना प्यार आशीर्वाद मिला कि बच्चा ठीक है अब, और 30 दिन बाद उसका, 1 महीने बाद उसका जो ये पट्टा है वो उतर जाएगा प्लास्टर, और वो स्कूल भी जा सकेगा। डॉक्टर ने कह दिया है कि स्कूल जा सकता है, पर अभी तो फ़िलहाल क्रिसमस की छुट्टी है तो अभी तो वो नहीं जाएगा। 1 तारीख के बाद जो भी होगा वो जाएगा स्कूल, तो उसको भेज देंगे। पहली बात तो वो खुद ही कह रहा था कि मम्मा मुझे स्कूल जाना है, और ट्यूशन के लिए भी जिद कर रहा, तो भेज दिया, कम से कम वहाँ मन लगा रहेगा। और मम्मी जी कर रही हैं अभी पूजा। क्या कर रही थी मम्मी जी? नहीं, कुछ कह रही थी। अरे मैं पर्दे की बत्ती का ही तुम बत्ती दे। दिखाओ पर्दा लगा है। अच्छा। देखो तुम्हें टीवी की आवाज कहाँ तक आ रही है, यानी देख रहे हैं। तो बेटा मेरा आ चुका है ट्यूशन से, और मैं भी जस्ट अभी नहा कर आई हूँ। मेरा सामान ना पता है वहाँ रखा रहता था, दिखाओ। तो इन्होंने टेबल ले गए आगे, वापस से सोफे आ गए, और मेरा सामान रेडी हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ नीचे। आज पहना है ब्लैक साड़ी है, अभी गिरने से बच जाती। नाश्ते में देखते हैं क्या बना। तो फ्रेंड्स, हल्का फुल्का सा मैंने नाश्ता कर लिया, किचन को क्लीन किया, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं बनाया था आज, तो इसलिए थोड़ा सा गैस ना मैसी मैसी हो गई थी, तो पहले क्लीन किया, क्योंकि ये मेरी आदत है, मैं गंदे में तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल। बहुत टाइम हो गया था, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि मैंने कढ़ी नहीं बनाई है, तो हस्बैंड ने छाछ ला कर दे दी थी। वैसे तो मुझे ना दही की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, और ये हम जब छाछ मंगाते हैं ना मट्ठा बाहर से, तो इसकी कढ़ी ना थोड़ी सी खट्टी बन जाती है। खट्टी मतलब एकदम से मुझे ना अच्छा नहीं लगती है कढ़ी, या कोई भी जो मुझे खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस यहाँ मैंने छाछ निकाल ली थी, फिर यहाँ बेसन लिया है, बेसन में मैंने सारे मसाले डाले हैं, क्योंकि इसकी बनाऊंगी मैं पकौड़ियाँ, और भजिए बोलते हैं इधर, तो पकौड़ियाँ बनाऊंगी। फिर बेसन को फेंट लिया है, और ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आप इसमें ना 1 से 2 चुटकी मीठा सोडा डाल लेते हैं, तो जिससे क्या भजिए बड़े फूले फूले ऊपर आते हैं। तो बस 1 से 2 चुटकी मैंने यहाँ पर डाल लिया है मीठा सोडा। अब गैस ऑन कर देती हूँ, रखती हूँ कढ़ाई, पहले सबसे पहले भजिए तोड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कढ़ी की तैयारी करूँगी।
एक तरफ यहाँ पर जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर ये जो चावल हैं कड़ी के साथ में चावल तो वैसे ही बहुत पसंद है, हर कोई खाता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी कड़ी, तो देखना पंजाबी कड़ी कैसे बनती है। तो बस यहाँ पर चावल मैं भिगो कर रख दूँगी, जिससे क्या चावल बड़े अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पर तेल गरम हो गया था और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, गोल गोल भजिए बस तोड़ रही हूँ अब मैं। आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीजें शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने मंगाई थी पहले शादी में जाने से पहले, पर मैं वहाँ पहुँच गई थी, उसके बाद ये मेरे पार्सल आए थे तो फिर मैं नहीं आपको दिखा पाई। तो मैंने कहा आज मेरे पास टाइम है तो मैं आपको दिखाती हूँ। कई बार क्या होता था, जब भी मैं कोई भी फुटवेयर वगैरह पहनती थी तो मुझे बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता था। जैसे कि मैंने अभी शादी में भी खरीदा था, पर मैं कभी भी शॉप से मैं खरीदती थी ना, जैसे कोई भी फुटवेयर वगैरह सैंडल वगैरह, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहते थे। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद वो काटने लगते थे, पैरों में चुभन होने लगती थी। तो ये मैंने जोंक के मैंने बैग भी, आप लोगों ने देखे होंगे मेरे बैग भी मैंने मंगाए थे जोंक के। तो इस बार मैंने कहा ये फुटवेयर है मैं ट्राई करती हूँ, पहले मैंने कर चुकी हूँ तो दोबारा मैंने ये मंगाए हैं अपने लिए, तो दिखाऊँ आपको। और इनकी देखो पैकेजिंग भी बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, देख सकते हैं। एक मैंने ये मंगाई है, थोड़ा सा दिखाइए, तो ये निकाल देती हूँ। और तो फ्रेंड्स ये 100% वेगन है और देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। और ये और मेन क्या है, ये ना अपने इंडिया के आर्ट के ऊपर बनाए गए हैं। जैसे बैग भी देखे होंगे उसमें लोटस बने हैं, इंडिया की जो जितना भी कल्चर है ना वो दिखाया गया है। तो देख सकते हैं ये वैली मैंने मंगाई, अभी पहन के भी आपको दिखाऊंगी। देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, कम्फर्टेबल बहुत है। और एक ये है, ये मैंने 3 पैर मंगाए हैं, देख सकते हैं। और कितना सॉफ्ट मटेरियल है। और कोड भी मैं अपना मेंशन कर दूंगी, तो आप मेरे कोड से भी ले सकते हैं। इनकी वेबसाइट वगैरह सब कुछ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं जो इनकी वेबसाइट से। तो देख सकते हैं कितना कम्फर्टेबल है। और वो वाला भी मैं दिखाती हूँ आपको भी पहन के। तो ये क्या, जैसे पटियाला वगैरह पहनो तो बहुत सुंदर लगती हैं, और ये भी मुझे बहुत सुंदर लगती है, ये तो बहुत ही कंफर्टेबल है। देख सकते हैं ये कहीं भी आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, पार्टी वियर कुछ भी हो तो आप पहन सकते हैं। और एक ये है, ये आपको ना नॉर्मली शॉप पे जाओगे ना तो आपको नहीं मिलेंगी, और ऐसे ना ये जॉब पे आपको बहुत, देख सकते हैं एक ही पैर पहन रही हूँ। वाह अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स लिंक सबका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो भी इनमें से पसंद आ रही ले सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाके और भी ढेर सारी वहां पर फुटवेयर है तो आप परचेस कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर कड़ी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने मेथी दाना, राई, जीरा, थोड़ी सी खड़ी, 2 लाल मिर्च डाल दी हैं, और मैंने हरी मिर्च भी डाली है, क्योंकि ये जो कड़ी है ना हरी मिर्च के बगैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। बनाते वक्त मैं सोच रही कि कुछ इसमें कमी रह जा रही है, कुछ है जो नहीं डाला मैंने, वो है कड़ी पत्ता मैंने डाला ही नहीं। तो अभी मैं भेजती हूँ, मम्मी जी बाहर धूप सेक रही हैं, पहले एक उबाल आ जाए, ऐसा ना हो मैं इसको छोड़ के जाऊँ कड़ी फट जाए, क्योंकि कड़ी को जब तक उबाल ना आए तब तक छोड़ के जाते नहीं है। तो मैं भूल गई बिल्कुल भी,
मैं कहूँ कुछ तो है यार जो कुछ डाला नहीं है, बिना कड़ी पत्ते के तो मजा नहीं आता कड़ी में। तो चलो पहले उबाल आ जाए फिर चावल वगैरह रखती हूँ, मम्मी जैसे पहले बोल के आती है। तो कड़ी पत्ता ऐसे ही डाल देती हूँ मैं, अब ऐसी खुशबू आ जाएगी बाहर से, क्योंकि मम्मी जी मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहाँ गई हैं। तो मैंने घर के ही कड़ी पत्ता है छोटा सा, उसमें से ले आई हूँ तोड़ के, तो ऐसे भी खुशबू आ जाएगी। और आज मुझे लग रहा है कड़ी मैंने पानी डाल दिया, पर कोई नहीं अभी उबाल आएगा ना तो ये सही हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ भजिए डाल दूँ इसमें, थोड़े डालती हूँ बस, इतने बचा लेती हूँ, कोई खाएगा तो। आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाबी कढ़ी हमेशा ऐसी बनती है, बड़े बड़े पकौड़े बनते हैं उसमें। तो बस यहाँ पर कढ़ी एक तरफ हमारी बन रही है और इधर साइड में चावल भी चढ़ा देती हूँ। चावल भी अच्छे से फूल गए थे, बस डेढ़ गिलास आज चावल मैंने डाले हैं, बना रही हूँ, और उसमें एक चम्मच भर के मैंने घी डाल दिया। इससे चावल ना बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। तो देख सकते हैं कढ़ी में उबाल आ चुका है, कढ़ी प्रॉपर तरीके से, काफ़ी देर हो गई, 15 से 20 मिनट हो गई बनते बनते। और कढ़ी में थोड़ा सा पानी आज ज़्यादा डाल दिया था तो वो पतली पतली लग रही थी, पर अच्छी अब गाढ़ी हो गई है। और कढ़ी थोड़ी सी ना रखने के बाद भी वो गाढ़ी हो जाती है। तो बस यहाँ पर खाना मेरा बन चुका है, बस जल्दी से रोटियाँ बनाती हूँ और सबको फिर खिलाती हूँ। तो यहाँ मैंने सबको खाना खिला दिया और खाना खाने के बाद में पूरा किचन नेट एंड क्लीन कर दिया है, कर नहीं दिया है मतलब कर रही हूँ। और आज का ब्लॉग भी मैं अपना यहीं पर एंड करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल भी ना जाएं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दिखाइएगा यार, थम ज़रूर दीजिएगा। और बस सब्सक्राइब कर रखा है तो ढेर सारा धन्यवाद करती हूँ आपका इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और मेरी ना इंस्टाग्राम आईडी है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अच्छी अच्छी रील्स बनाती